तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं काठमांडू। काठमांडू? अरे भाई, ये तो नेपाल का कैपिटल है ना? अरे हाँ, नेपाल का कैपिटल है। तो यही काठमांडू में ना दो मंदिर है, एक हिंदू के लिए है, एक बुद्धिस्ट के लिए है। तो ही हम पूरा चैप्टर में देखने वाले हैं और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। चलो और क्या, मैं ही हूँ इस चैप्टर का लेखक विक्रम सेठ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैं काठमांडू शहर गया ना तो मुझे एक रूम मिल गया बहुत सस्ता में। तो मैं वहाँ कुछ देर रुका, मतलब रात भर रुका। अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ काठमांडू घूमने निकल गया। सबसे पहले हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर घूमने गए और यहाँ क्या लिखा हुआ था पता है? एंट्रेंस फॉर हिंदू ओनली, सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। हमने देखा मंदिर में पंडित पूजा करवा रहा है, भक्त लोग पूजा कर रहे हैं और दूसरे लोग पूजा का सामान बेच रहे हैं, मतलब बाहर में। और वहाँ गाय, बंदर और कबूतर भी हैं जो खेल रहे हैं। इतने में ही यहाँ नेपाल की राजकुमारी मंदिर में पूजा करने आ रही है। सब लोग साइड हो गए उनको रास्ता देने के लिए और झुककर उनको राजकुमारी को इज्जत करने लगे। राजकुमारी मंदिर में पूजा की और वहां से अपने घर वापस लौट गई। इसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ लोग भगवा रंग का कपड़ा पहनकर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और देखो पुलिस क्या करती है। अरे रुको, कौन है तुम लोग? हम लोग हिंदू हैं सर, हम मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने। नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते, चलो वापस निकलो यहाँ से। पुलिस वाले इनको मंदिर में नहीं जाने दिए, शक होगा कि हिंदू नहीं होगा ये लोग इसलिए। फिर हम लोग ने देखा दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं, मतलब खेल भी रहे होंगे। ये दोनों बंदर लड़ते खेलते नदी के पास आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने जो देखा भाई, हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग नदी किनारे एक मरा हुआ आदमी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। फिर दूसरे तरफ कुछ बच्चे नदी में नहा रहे हैं और खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, पंडित मंदिर में यूज हो चुका सामान को नदी में फेंक रहा था, मतलब बहा रहा था। यूज हुआ सामान मतलब कि भक्त लोग जो चढ़ाते हैं ना, फूल, बेलपत्र, नारियल वगैरह, वही हो गया यूज हुआ, उसी को मंदिर में फेंक रहा था। पूरा गंदा कर दो यार नदी को। ओह क्या होगा। अरे ये देखो क्या है, ये तो मूर्ति है। ये मूर्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनिए, यदि ये मूर्ति पूरा बन जाएगा ना, मतलब पूरा आधा भी पूरा बन जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा, पता है? कलयुग मतलब? अरे ये जो चल रहा है ना समय, ये कलयुग है, पापों का कलयुग। पहले था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और ये जो चल रहा है इसको कलयुग बोलते हैं, समझे? इतने घूम लेने के बाद हम लोग बुद्धनाथ स्तूपा गए घूमने के लिए। जैसे पशुपतिनाथ टेम्पल हिंदुओं का था ना, उसी तरह बुद्धनाथ स्तूपा बुद्धिज्म लोगों का है, मतलब बुद्धा लोगों का है। हमने यहाँ महसूस किया कि हम बहुत ज्यादा ही शांति है, पूरा स्वर्ग जैसा फीलिंग हो रहा था यार। आसपास लोग अपनी दुकान लगाए हुए थे, कोई ज्वेलरी मतलब सोना चांदी बेच रहा है, कोई पेंटिंग बेच रहा है, तो कोई क्या बेच रहा है। मंदिर के जैसा यहाँ बहुत ज्यादा आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़ा आदमी और बहुत ज्यादा शांति है। अब हम लोग दोनों मंदिर और बुद्धिज्म घूमने के बाद हम लोग शहर घूमने निकल जाते हैं। देखो आगे क्या होता है। हम लोग ने देखा शहर में लोग अपनी दुकान लगाए सामान बेच रहे हैं, और कर भी क्या सकता है, दुकानें लगाए बेचेगा ना। तो मैंने वहां से एक किताब खरीदा, नाम क्या है पता है? अ कपल ऑफ लव स्टोरी। क्या अंकल, आप भी ना बुड्ढे हो गए होंगे, ये सब पढ़ेंगे? क्या बोला? कुछ नहीं अंकल। इसके बाद मैं आगरा जाने के लिए टिकट बुक कर लिया, क्योंकि काठमांडू में घूम लिया यार, बहुत थक भी गया हूँ। फिर मैंने देखा एक आदमी फ्लूट्स यानी बांसुरी बेच रहा था और बजा भी रहा था, अच्छा बजा रहा था यार, क्या बताऊँ। तो दोस्तों कैसा लगा चैप्टर नीचे कमेंट करके बताइए। और क्या, वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगल बगल जो वीडियो दिख रहा है ना, हिस्ट्री, इंग्लिश का, इसको देख लो। और क्या, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।